कॉन्फ्रेंस हुआ है सर? आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के साथ, इसमें हम हमारे जमालपुर, भागलपुर और साहिबगंज के जर्नलिस्ट लोकल के थे, और आज आप मालदा के भी आप लोग हैं। ये जो हमारी मेल एक्सप्रेस और जो जो हम लोगों ने अचीवमेंट की है पिछले गत वर्ष में, उसके बारे में, प्लस अभी जो कुछ मालगाड़ियां और पार्सल हम लोग जो चला रहे हैं, उसके बारे में हम लोग अवेयरनेस लोगों को दे रहे थे। प्लस एक हम लोगों ने बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट बनाया है, जो जिसका कि काम है आप पूरे उसमें मंडल में खोज के सब जो वेंडर्स, जो लोडिंग हमारा कम हुआ है पार्सल वगैरह, उसको बढ़ाने के उद्देश्य से सबके पास हमारे ऑफिसर्स जा रहे हैं, क्या उनकी समस्या है, उनका सलूशन हम लोग कर सकें, और नए नए उनके जो माल की लदाई में कोई कमी ना आए। जैसे हम लोग स्टोन, फ्लाइर्स और कोला, ये सब हमारे यहाँ से लोड होता है। उसके अलावा जो छोटे व्यापारी हैं उनका पार्सल ट्रेन कोई नहीं चल रहा था, तो एक हावड़ा से वीकली हावड़ा जमालपुर चालू हुई है, तो जिससे लोग अपना घी और सब्जियां, जो बाकी छोटे छोटे पार्सल हैं या कपड़े के जो व्यापार होता है आपका साहिबगंज, बड़रवा और भागलपुर, जमालपुर से जो सामान जाता है कलकत्ता, क्या कलकत्ता से आता भी है जैसे आलू या और जो चीजें हैं उसके लिए। इसी तरह मालदा से हम लोगों ने एक आनंद विहार दिल्ली के लिए एक प्रस्ताव भेजा है रेलवे बोर्ड में, जो पार्सल ट्रेन का, क्योंकि मेल एक्सप्रेस या जो स्पेशल ट्रेन है वो तो रेल मंत्रालय और भारत सरकार के आदेश के अनुसार अभी बंद है जब तक 30 सितंबर तक, या आगे पेंडेमिक के हिसाब से उसको रिव्यू होगा। बट माल जो ढुलाई है, गुड्स का जो मूवमेंट है या पार्सल, उसको हम लोग स्पीड अप करके जितना मैक्सिमम हो सकता है। Thank you.